नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। धर्म की राजनीति ने भारतीय सभ्यता की नींव को हिला दिया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मजहब के दामन में जो धर्म का चोला छिपा है वो देश के लिए नासूर बन गया है। भारत के किसी मुसलमान के पास अगर रोजगार नहीं तो वो कहां जाए। कोई मुस्लिम चूड़ी बेचे तो उसे मजहब महज इसलिए पीट दिया जाता है कि वो मुस्लिम है। कोई टोस्ट बेचने आता है तो उसे पीट दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। कोई टोपी लगाता है तो उसे पाकिस्तान जाने की धमकी दी जाती है क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसे में से सवाल यही उठता है कि क्या मुस्लिम होना देश में गुनाह है। ये सवाल इसलिए कि मुसलमानों के नाम पर जो धर्म के ठेकेदारों ने प्रथा चला दी है उससे कानून का फंदा क्यों दूर है, जबकि ये भी उसी भारत के लोग हैं जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र बसता है। आतंकवाद, लव जिहाद, गौ मांस, तीन तलाक, दाढ़ी, टोपी और नमाज, जो कुछ ये सभी चीजें धर्म के ठेकेदारों के बड़े दुश्मन हैं। और ये उनके सामने आते ही देशद्रोह का थप्पा या पाकिस्तान चले जाने की नसीहत के धमकियां टूट पड़ती हैं। टूटी बिखरी नागरिकता के साथ मुसलमान कैसे रह पा रहा है और आगे कैसे रहेगा, ये सोचना और पूछना भी मानो गुनाह है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि ये एक भयंकर हिंदूवादी गुर्राहट का दौर है जिसकी परिणति हम लोग झपटमारियों और हत्याओं में होता देख रहे हैं। क्यों अक्सर हमारे देश में कुछ इलाकों में मुसलमानों को पीटा जाता है और वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर। क्यों लोगों को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि आप किस धर्म से हैं। क्यों लोगों को ये बताया जाता है कि आपको आपके धर्म को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आजकल बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। जी हां, इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा में बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा से प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी के हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 50,253 हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए 300 से ज्यादा निकायों के 1,29,292 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, सभी नगरीय निकाय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि वर्चुअली शामिल होंगे। सब होगा, बीजेपी सब करेगी, लेकिन शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके मध्य प्रदेश में आए दिन हो रही घटनाएं नहीं दिख रही। खैर, पता तो चल ही रहा होगा, लेकिन शायद इन सभी घटनाओं पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चूड़ी बेचने वाले के साथ जो हुआ वो सबने देखा, कैसे पीड़ित से वो आरोपी बन गया वो भी सबने देखा, लेकिन शायद सरकार को ये मामला नहीं दिखा और इसीलिए तो आरोपियों की जगह पीड़ित को ही आरोपी बना दिया गया और बाद में उसे जेल डाल दिया गया। खैर चलिए, आज चूड़ी बेचने वाले के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा पहले आपको मध्य प्रदेश की एक और घटना के बारे में बता देते हैं। दरअसल मुस्लिम चूड़ी विक्रेता के बाद अब सड़क पर टोस्ट बेचने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई का मामला सामने आया है। देवास जिले में दो लोगों ने सड़क पर टोस्ट बेचने वाले 45 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर दी क्योंकि वो अपनी पहचान साबित करने के लिए उन लोगों को आधार कार्ड नहीं दिखा सका। ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर आपको ये पूरा मामला समझाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास जिले में दो लोगों ने सड़क पर टोस्ट बेचने वाले 45 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति की कथित तौर पर इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो अपनी पहचान साबित करने के लिए उन्हें आधार कार्ड नहीं दिखा सका था। पुलिस ने बीते गुरुवार को ये जानकारी दी है। महज 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में भी मुस्लिम चूड़ी विक्रेता के साथ बर्बर मारपीट की घटना हुई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बुधवार को 25 अगस्त को दोपहर को अमलताज गांव के रहने वाले जहीर खान से दो अज्ञात लोगों ने आधार कार्ड दिखाने को कहा। जहीर ने कहा कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उन लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की और उसे कथित तौर पर पीट दिया। शर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बुधवार शाम को हतपिपलिया थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। खान ने बताया कि दोनों
बोरली गांव में रहने वाले हैं और मैंने उन्हें अपने पहले गांव में भी देखा है। मैं उन्हें उनके चेहरे से पहचान सकता हूं और उन्होंने मुझे फिर से गांव में प्रवेश न करने की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर आईपीसी की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। बता दें, बीते रविवार 22 अगस्त को भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर में फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहे 25 वर्षीय तस्लीम को 5-6 लोगों ने एक समूह ने कथित तौर पर नाम पूछकर उसकी पिटाई कर दी थी। अली उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है और घटना का वीडियो वायरल होने पर मचे बवाल के बाद शामिल लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अन्य संगीन आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि खुद तस्लीम को भी बीते बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत एक 13 वर्षीय लड़की को चूड़ियां बेचते समय अनुचित तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चलिए अब आपको थोड़ी और जानकारी इस मामले से जुड़ी दे देते हैं। दरअसल पीड़ित जाहिद देवास जिले के अमला तज गांव का रहने वाला है और बताया ये जा रहा है कि घटना के समय वो बारौली गांव में सामान बेचने के लिए गया हुआ था। वापसी में उन्हें 2 लोग युवकों ने रोका और आधार कार्ड उनसे मांग किया। खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि आधार कार्ड नहीं होने पर दोनों युवकों ने कथित रूप से जाहिद को मारना शुरू कर दिया और इस हमले में जाहिद के हाथों और पैरों में मामूली चोटें भी आई हैं। यानी अब आप समझ रहे हैं कि आखिर मामला है क्या। यानी ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि अगर अब आपको मध्य प्रदेश में सामान बेचना है तो सबसे पहले आपको अपना धर्म देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि कहीं आप मुस्लिम होकर हिंदू मोहल्ले में तो नहीं जा रहे। आपको ये देखना होगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड तो है, क्योंकि अगर आपने अपना आधार कार्ड लोगों को नहीं दिखाया तो आपको वहां मौजूद भीड़ से पिटना भी पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आप अपना आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो तस्लीम और जाहिद के साथ हुआ है। हालांकि देखिए, पीड़ित जाहिद ने कहा है कि उन्हें पीटने वालों से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उसका यह भी दावा है कि पहले भी इन दोनों युवकों को बारौली गांव में उसने देखा था और जाहिद ने यह भी बताया कि दोनों बारौली गांव के रहने वाले हैं और उसने कहा कि मैंने उन्हें वहां पहले भी देखा है और मैं उन्हें चेहरे से पहचानता हूं लेकिन उनका नाम नहीं जानता। उन्होंने मुझे गाँव में न घुसने की चेतावनी भी दी है। दरअसल देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का समाज बहुत ही धार्मिक है। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। मुसलमानों के रहने के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। ऐसे में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके शासन में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा भी दिया। लेकिन जिस तरह से ये बार बार मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए ये कहना गलत होगा कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। ये कहना सही है कि सबका साथ और सबका विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। हालांकि अभी देखिए, कुछ दिन पहले भी इंदौर में बाण गंगा थाना क्षेत्र में भी एक चूड़ी बेचने वालों को लोगों ने खूब पीटा था। ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का एक वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार 22 अगस्त का बताया जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। दरअसल यहाँ कुछ लोगों ने चूड़ी बेचने वाले एक शख्स की पूरी तरह से पिटाई कर दी। वीडियो में जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उसकी पहचान 25 साल के तस्लीम के रूप में हुई है। वो यूपी के हरदोई जिले का निवासी है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस से FIR दर्ज कर ली है और इस 2 मिनट के वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि पीला कुर्ता पहना एक शख्स पीड़ित के बैग से चूड़ियां निकाल रहा है। पीछे से एक दूसरा व्यक्ति पीड़ित को थप्पड़ मार रहा है।
ये शख्स पीड़ित से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके बाद चूड़ी बेचने वाले युवक को पीटने के लिए लोगों को उकसाया जाता है। घटना के समय आसपास खड़े लोगों से कहा जाता है कि कम से कम एक एक तो सब मारो। मारने के लिए बुलाने वाला शख्स कह रहा है कि कम से कम उस चक्कर में ही मार दो कि बम्बई बाजार का बदला ले रहे हो। बता दें कि इंदौर के बम्बई बाजार इलाके में 14 अगस्त को दो गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इसमें 10 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज करके कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। बहरहाल आरोपियों को उकसाने पर भीड़ में से कुछ लोग सामने आते हैं और तस्लीम को पूरी तरह से पीटने लगते हैं। पीड़ित को गालियां भी दी जाती हैं और इस बीच पीले कुर्ते में मौजूद शख्स लोगों को तस्लीम की जेब चेक करने को भी कहता है। वो उसे मारने के साथ उसकी जेब में हाथ डालकर मौजूद चीजें भी निकाल लेते हैं। इस दौरान ये कहते भी सुना जा सकता है कि ऐसा मत मारो कि निशान पड़े। पीटने वाले का आरोप था कि चूड़ी बेचने वाला महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। घटना का वीडियो वायरल होने पर इंदौर के बाणगंगा थाने की पुलिस को रात 10 बजे इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद अफसरों ने जांच शुरू कर दी और देर रात 12:30 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। कहा गया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे, उसको लेकर के इसमें जो है एफआईआर की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में एफआईआर हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा सभी से निवेदन है कि अपना संयम रखें और किसी के बहकावे में ना आए। देखिए क्राउड जो था, क्राउड कार्रवाई की मांग कर रहा था और ऑलरेडी जो है पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी, लेकिन एक लोगों को भावना रहती है कि कहीं इनजस्टिस ना हो उनके साथ में। तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि किसी भी हालत में अन्याय नहीं होगा। जो सही कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो न्याय संगत कार्रवाई है, वो जरूर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद कुछ लोग देर रात युवक को लेकर सेंट्रल कोतवाली थाना पहुंचे। उन्होंने पीड़ित की पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। एहतियात के तौर पर मौके पर 8 थानों के बल को भी तैनात कर दिया। देर रात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, लूट, धमकाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित तस्लीम ने एफआईआर में लिखवाया है कि जब वो इलाके में चूड़ी बेच रहा था तो 5-6 लोगों ने उसका नाम पूछा। तस्लीम के मुताबिक नाम बताने पर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई और उसके 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। साथ ही तकरीबन 25,000 रुपए की चूड़ियां भी लूट ली गई। वहीं पीड़ित शख्स के मुताबिक रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद वो गोविंद कॉलोनी में चूड़ी बेच रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे भी छीन लिए। तस्लीम नाम के युवक का कहना है कि वो चूड़ियां बेच रहा था और पहले लोगों ने उससे उसकी जाति पूछी। जब उसे अपनी जाति बताई तो लोगों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने, तस्लीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलिए अब इन दोनों ही मामलों में समानता क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अगर मान लिया जाए कि तस्लीम ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी और इसलिए उसके साथ भीड़ ने ये हरकत की, लेकिन जरा सोचिए कि जाहिद ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, फिर क्यों उसे पीटा गया और क्यों हवाला ये दिया गया कि उसने आधार कार्ड नहीं दिखाया था इसीलिए उसके साथ ये हरकत की गई। तो इन सब चीजों से अब ये कहना गलत नहीं है कि अब अगर आपको मध्य प्रदेश में जाकर सामान बेचना है तो आपको आपके धर्म का सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपना आधार कार्ड आपके पास रखना होगा, क्योंकि अब शायद मध्य प्रदेश में ये नया कानून बन गया है कि शायद अगर कोई सामान बेचना चाहता है तो उसको अपना आधार कार्ड लेकर चलना होगा, क्योंकि आजकल जो चल रहा है मध्य प्रदेश में उससे तो यही लगता है। चलिए अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी सरकार के राज में लिंचिंग की घटनाओं का क्या ग्राफ रहा है। देश में 2010 से लेकर 2017 के बीच लिंचिंग की 63 घटनाएं हुई थी, जिसमें 28 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी घटनाओं में से 52% अफवाहों पर आधारित थी।
एक सर्वे के मुताबिक मई 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से कुल घटनाओं में से 97% की वृद्धि दर्ज की गई थी। मॉब लिंचिंग के 63 घटनाओं में से 32 घटनाएं गायों से संबंधित थी और अधिकतर मामलों में राज्य के अंदर बीजेपी की सत्ता ही थी। इन दिल दहला देने वाली 63 घटनाओं में मरने वाले 28 लोगों में से 86% यानी कि 24 मुस्लिम समुदाय से लोग शामिल थे। साथ इन घटनाओं में कुल 124 लोग जख्मी हुए और 7 साल की छोटी सी अवधि में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में प्रति लोगों की बदलती मानसिकता पर भी सवाल खड़े करती है। हालांकि तेजी से बदलती लोगों की मानसिकता के बारे में भी वजह जानने की हमने कोशिश की और वही अब आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, दरअसल लोगों की मानसिकता बदलने के पीछे की वजह समाज में फैली निराशा, बढ़ती बेरोजगारी, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का अभाव, लोगों को साथ लेकर चलने की भावना, हम तुम श्रेणियों, धर्मों, समुदाय में विभाजित होते लोग हैं। दरअसल मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में हमला करने वाले लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी शख्स पर हमला करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि घटना को वास्तविक रूप से किसने अंजाम दिया। इन घटनाओं में व्यक्तिगत पहचान और जिम्मेदारी का अभाव अक्सर रहता है और 100 से लेकर 500 लोगों की भीड़ एक व्यक्ति या एक समूह पर पथराव कर सकती है, लेकिन अगर उसकी संख्या 5 से 10 होगी तो वो पथराव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। और यही हुआ था इंदौर में तस्लीम के साथ और अब एक बार फिर देवास में जाहिद के साथ। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में अफवाहों पर लोग जल्दी एकजुट हो जाते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं। लोगों को पता चलेगा कि मंदिर या मस्जिद में किसी ने कुछ चीज फेंक दी तो पर्याप्त संख्या में लोग जुटना शुरू हो जाते हैं और ऐसा वही होता है जहां दिमागी अव्यक्तता होती है और ऐसे में वहां ये चीजें होती हैं जहां तार्किकता की कमी होती है और इसलिए भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। और जो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ही हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए, सवाल ऐसे जो देश के हर नागरिक को अपने आप से पूछने चाहिए, ये कि ये कहां तक सही है किसी को ऐसे सरेराह पीट देना और किसी से उसका आधार कार्ड मांग लेना और अगर वो अपना आधार कार्ड देने में असमर्थ है तो उसे ऐसे ही बीच सड़क पर इकट्ठा होकर लोग पीट दे। दरअसल देखिए, अब इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने यह भी बताया कि 2 अज्ञात लोगों ने आधार कार्ड दिखाने के लिए जाहिद से कहा था। जाहिद ने कहा कि उसके पास कार्ड नहीं है तो लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की और उसे कथित तौर पर लाठी बेल्ट से पीट दिया। सूर्यकांत शर्मा ने यह भी बताया कि आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जाहिद को किसी तरह की गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन देखिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस तरह की हरकत बहुत ही ज्यादा गलत है। सूर्यकांत शर्मा ने यह भी बताया कि जाहिद खान ने बुधवार शाम को हटपिपलिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि आईपीसी की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला भी उन्होंने दर्ज कराया था। बता दें कि रविवार को भी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी तस्लीम अली को इंदौर के एक मोहल्ले में फर्जी नाम से महिलाओं को चूड़ियां बेचते समय पिटाई कर दी गई थी। मारपीट का वीडियो भी बना लिया गया था और उसे वायरल भी कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ ही घंटों में करीब 27 से 30 घंटों के बीच पीड़ित तस्लीम को आरोपी भी बना दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। वहीं अली को भी बुधवार को यौन अपराध में बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत एक 13 वर्षीय लड़की को चूड़ियां बेचते समय अनुचित तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया था। पुलिस ने यह दावा किया था कि उसके बैग से अलग अलग नामों के 2 आधार कार्ड जब्त किए गए थे। और देखिए, एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि इंदौर में मुसलमान चूड़ी वाले ने भले ही बच्ची से छेड़छाड़ की हो, लेकिन उसे मुसलमान कहकर पीटना कहीं का न्याय नहीं है। साफ समझा जा सकता है कि चूड़ी वाला तो बस बहाना था, पीटने वाली जनता ने भड़ास किसी और बात की निकाली थी। और मध्य प्रदेश में आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं ने बता दिया है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमारे अंदर की नफरत हमें कहीं ना कहीं छोड़ेगी और लोगों के 2 धर्मों के बीच पनपी नफरत के कारणवश देश को इससे कहीं ज्यादा विभत्स दृश्यों को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यानी कि देखिए साफ तौर पर इन दोनों ही घटना को अगर उठा के देख लिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को धर्म के नाम पर जो है पीटा जा रहा है और धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि चाहे वो इंदौर की घटना हो, देवास की घटना हो, और इससे पहले हमने आपको चार के चक्रव्यूह में अजमेर की घटना से भी रूबरू कराया था, जहां पर भी एक ऐसे ही व्यक्ति की पिटाई कर दी गई थी जो भीख मांग कर अपना परिवार चला रहा था, उसको भी लोगों ने घेर कर उसे पीट दिया था। और एक बार फिर से अब ये मध्य प्रदेश के देवास में भी यही हुआ है कि आधार कार्ड अगर वो व्यक्ति नहीं दिखा पाया तो उसे पीट दिया गया। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश में एक ये खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ लोग अपनी मर्जी से छोटे व्यापारियों या गली गली घूमकर सामान बेचने वालों से उनकी पहचान का सबूत मांग रहे हैं। पहचान का सबूत नहीं होने पर या तो इसे लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन होने पर पिटाई कर दी जाती है। इसे महज संयोग माना जाए या जानबूझकर की गई हरकत। इन घटनाओं के पीड़ित जो हैं अक्सर वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही बनते हुए दिखते हैं। इसी हफ्ते मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में भी एक चूड़ी बेचने वाले की इसी तरह से पिटाई कर दी गई थी। उसका नाम भी तस्लीम था और ऐसे में खबरों के मुताबिक कुछ लोगों ने तस्लीम पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। उन्होंने तस्लीम से ये भी कहा था कि वो आगे से हिंदू इलाके में दिखना नहीं चाहिए। घटना का वीडियो भी सामने आने के घंटों बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती उससे पहले ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आ गया। इसमें उन्होंने तस्लीम पर अपनी पहचान छिपाने और दो आधार कार्ड रखने का आरोप लगा दिया था और कहा था कि हिंदू नाम रखकर वो चूड़ियां बेच रहा था। वहीं बाद में एक नाबालिग लड़की की तरफ से भी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। तस्लीम ने गलत तरीके से उसका हाथ पकड़ा था, ये शिकायत कही गई थी और दर्ज कराई थी। उधर तस्लीम ने भी माना कि उसके पास दो आधार कार्ड थे, लेकिन ऐसा गलती से हुआ है और ऐसा प्रशासन की गलती की वजह से हुआ है कि उसका आधार कार्ड में नाम बदल दिया गया, बाद में उसे गिरफ्तार कर दिया गया था। तो एक बार फिर यही कहना चाहूंगी कि लोगों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये मजहबी धर्म की आड़ में राष्ट्रीय धर्म की उपेक्षा और असहयोग नहीं हो रहा? क्या ये अपनी भावनाओं के कारण राष्ट्र की करोड़ों जनता की समस्याओं को कुचलते हुए राष्ट्र को क्षति पहुंचाना क्या धर्म है? क्या ये जरूरी है कि अगर किसी को किसी मोहल्ले में सामान बेचना है और जाना है तो उसे पहले अपने धर्म का डंका बजाना पड़ेगा? सवाल उठता है कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए किसने कहा? क्यों आखिर भीड़ एक शख्स पर हावी हो जाती है? क्यों आखिर इस तरह से धर्म के नाम पर अधर्म किया जाता है और क्यों आखिर पीड़ित को ही आरोपी बना दिया जाता है? सवाल कई हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। जरा सोचिएगा जरूर। नमस्कार।